आज आज से कुछ टाइम पहले मैंने कल वीडियो मैंने डाला था कि आप लोग फ्री फायर मैक्स को या फिर फ्री फायर जो भी आप खेलते हो उन्हें पीसी या लैपटॉप में भाई कैसे खेल सकते हो, जहाँ पर मैंने यहाँ पर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बताई थी। लेकिन गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे बंदों की परेशानी यहाँ पर ये आ रही थी कि जब वो लोग अपने पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड कर रहे थे तो वहाँ भाई कुड नॉट इंस्टॉल का यहाँ पर एक एरर आ रहा था और बहुत सारे बंदे के पास तो भाई यहाँ पर दिस कंप्यूटर डज नॉट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली एक प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर देख पाओ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में, मेमोरी के बारे में और स्टोरेज के बारे में कहीं दिक्कत करके गूगल प्ले गेम्स बेटर है यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रहा था, इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था। तो गाइस यहाँ पर कैसे इसको फिक्स कर सकते हो, कैसे आप लोग अपने पीसी या लैपटॉप में गाइस इसको सॉल्व करके कैसे आप लोग खेल सकते हो, आइए गाइस सारा कुछ बताते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो गए तो। गाइस जब आप लोग फ्री फायर को आप लोग डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो गूगल प्ले गेम्स बेटा से, यहाँ पर देख पाओगे कुछ इस तरीके से गाइस आइकन यहाँ बन के आ जाता है। देन आप लोग इंस्टॉल वाले जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको काफ़ी टाइम लगता है इंस्टॉलिंग में, जैसे यहाँ पे मेरा भी ले रहा है, हालांकि मैंने वीडियो स्किप कर दिया था, कट कर दिया था कि आपका टाइम बिल्कुल भी बच सके। और यहाँ पे अगर इंस्टॉल हो जाने के बाद में कुछ इस तरीके से आइकन बन चुके आ चुका है और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। और अगर यहाँ से आप लोग जैसे ही ओपन करते हो तो अगर यहाँ पर ओपन होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, और यहाँ पर टाइम ही नहीं लेता है या तो अगर ओपन भी नहीं होता है, और ओपन जब होता है ना आपके सामने का एक मैसेज और एक एरर आ जाता है और जहाँ पर ये लिखता है कि दिस कंप्यूटर डज नॉट मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रन गूगल प्ले गेम्स हियर, और यहाँ पर दिखाता है कि व्हाट्स मिसिंग, यहाँ पे क्या गाइस मिसिंग है। तो मिसिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देख पाओगे नीचे में क्या लिखा गया है, प्रोसेसर यहाँ पर 4 CPU फिजिकल कोर्स। तो गाइस आपको प्रोसेसर चाहिए, आपको 4 कोर्स वाली मिनिमम चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर मेरा जो लैपटॉप है सिंगल कोर्स का है और है मेमोरी कम से कम 8 GB रैम चाहिए आपके लैपटॉप में, लेकिन मेरे गाइस लैपटॉप में मात्र 4 GB रैम है। देन यहाँ पे स्टोरेज गाइस SSD चाहिए, बट मेरे में SSD नहीं है, 1 TB का एक हार्ड डिस्क है। तो गाइस इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, ये ओपन नहीं हो रहा है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है या फिर इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो गाइस आपको ज़रूरत है एक नया लैपटॉप लेने की, या फिर आपके पास पुराना लैपटॉप है उसको यदि आप लोग अपग्रेड कर पाओ तो उसको आप लोग अपग्रेड कर लेना। लाइक जैसे कि आपके लैपटॉप में 4 GB रैम है तो गाइस आप लोग 8 GB करवा सकते हो अपने कंप्यूटर स्टोर पर जाकर, ठीक है। और आपके अंदर भाई SSD नहीं है तो SSD लगवा सकते हो। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो मैं तो बोलूँगा कि यदि आप लोग ऐसा मत करना यार, कुछ टाइम वेट कर लो, जब आपके पास कुछ पैसे हो जाए तो गाइस आप दूसरा लैपटॉप या PC आप लोग ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। आपका लैपटॉप गाइस उतना गेम के लिए सक्सेस नहीं है, गेमिंग लैपटॉप नहीं है, जो गेमिंग लैपटॉप भाई मिनिमम तो आपको 50,000 से ऊपर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। 45,000 के आसपास भी ले लेते हो तो उसमें गेम चल जाएगी, लेकिन 25,000-30,000 का अगर लिए हो, 35,000 का लिए हो तो उसमें गेम आपका बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। बाय द वे किसी कोई जुगाड़ लगा कब चला भी लेते हो ना तो गाइस मतलब चलेगा ही नहीं, पूरा हैंग करेगा। हालांकि गूगल प्ले गेम्स तो गाइस बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अगर कोई दूसरा कोई एमुलेटर डाउनलोड करते हो लाइक ब्लू स्टैक ये सब तो वो चल जाएगी, लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा हैंग करेगा, चलेगा भी नहीं। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने बता दिया। वीडियो पसंद है कर देना वीडियो को लाइक एंड अपलोड कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और फिर भी कोई डाउट्स एंड क्वेश्चन है नीचे आप लोग कमेंट करना, उसका मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही।